we are going to negate a statement, there are some x, px. This junction for all y, qy. ये क्वांटिफायर बेस्ड स्टेटमेंट है, हमको निगेटिव करना है। तो यहां देखो, दिस जंक्शन के दोनों तरफ दो स्टेटमेंट है बेसिकली, और क्वांटिफायर तो यूज हुए ही है। तो हम बताते हैं, सिंस निगेशन ऑफ पी दिस जंक्शन क्यू, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, क्या बोलता है, अंदर पी और क्यू का क्या करो, और ऑपरेटर को उलट दो, दिस जंक्शन की जगह क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। सिंस ऐसा होता है, देयर फोर, ये जो पूरा यहां से यहां तक ऊपर लिखे उसका निगेशन, निगेशन ऑफ देयर आर सम एक्स पी एक्स दिस जंक्शन फॉर ऑल वाई क्यू वाई, इसका निगेशन इक्विवेलेंट है, कैसे लिखेंगे, अब वो जो दिए ऊपर सिंटेक्स आपने लिखा है अकॉर्डिंगली लिखो, पी अभी आप इतने को पूरा पी ले लो, ये पूरा क्यू ले लो, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना, निगेशन पी, निगेशन देयर आर सम एक्स पी एक्स, वैसे ही उसके सामने भी निगेशन का साइन लगाएंगे, एक तो एक कंजंक्शन बन जाएगा डिसजंक्शन का, और निगेशन फॉर ऑल वाई क्यू वाई। तो आपने जितना पी एक्स लिखा था एज इट इज, और सामने निगेशन कर दिया, जितना आपने आपके लिए क्यू है फॉर ऑल वाई क्यू वाई, उसके सामने भी निगेशन कर दिया। अगले स्टेप में इसको और थोड़ा सा लिख सकते हैं, कैसे, जब निगेशन कर रहे हैं तो क्वांटिफायर क्या होते हैं, उलट जाते हैं, और अभी तक हमने उसको उल्टा नहीं था, तो इसका उलट क्या लिखो, फॉर ऑल एक्स, और पी एक्स का भी निगेशन होगा, निगेशन पी एक्स, वैसे इसका निगेशन क्या होगा, देयर आर सम वाई, निगेशन ऑफ क्यू वाई, ये आपको फाइनल आंसर है। इस सिंटेक्स से अगर हम कंपेयर करें तो P और डिसजंक्शन Q ये पूरा ब्रैकेट में है, और उसके बाहर क्या, उसका होल निगेशन, तो वैसे ही हम इसको क्या करें, पूरा ब्रैकेट में रखें, और इस पूरा स्टेटमेंट का हम क्या कर रहे हैं, होल निगेशन। अब एक एक का निगेशन जो किए हैं, अब ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। ये अनदर स्टेटमेंट, अब की बार क्या है, यहां पहले क्वेश्चन में देयर आर सम एक्स वाला था, अभी क्या है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, और यहां क्या है, कंजंक्शन, इधर देयर आर सम वाई क्यू वाई, अब उसको निगेट करना है, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, सिंस पी कंजंक्शन क्यू, ये आपका पी की तरह है और ये स्मॉल क्यू की तरह है, दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन, इस पूरे का निगेशन करना है, तो निगेशन पी, निगेशन क्यू, और कंजंक्शन क्या क्या बनेगा, ठीक, तो निगेशन ऑफ ये जो दिया है पूरा लिखो, क्या दिया आपकी बार, फॉर ऑल एक्स पी एक्स कंजंक्शन देयर आर सम वाई क्यू वाई, इतने का निगेशन क्या होगा, इसका इसका लेफ्ट राइट का निगेशन, और ये साइन डिसजंक्शन का बन जाएगा, ये सिंटेक्स ठीक डी मॉर्गन का ही सेकंड स्टेटमेंट है, ये हो गया। और यहां क्या है, अभी फॉर ऑल एक्स है, क्वांटिफायर उलट है, ठीक, पहले स्टेप में क्या किया, इतने और इतने को हमने निगेट कर दिया, और ये साइन उलट दिए कंजंक्शन के बदले डिसजंक्शन, अगले स्टेप में क्वांटिफायर को उलट दो, अब ये क्या हो जाएगा, देयर आर सम एक्स और निगेशन ऑफ पी एक्स, ये एज इट इज, इनका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वाई निगेशन ऑफ क्यू वाई, तो ये गिवन स्टेटमेंट का यानी इतने का निगेशन, ये आंसर आया।